क्या बोले भैया? हे मित्र, वस्तु की शुद्धि चाहिए तो मिश्रण से दूर रहना पड़ेगा। वस्तु की विशुद्धि चाहिए तो जिसे आप धर्म कह रहे हो वो मित्र धाय माँ का दूध है। जिसे तुम धर्म कह रहे हो वो धाय माँ के दूध का मिश्रण है। जो धर्म है वो वस्तु स्वभाव है। जिसे धर्म कह रहे हो मित्र वो धाय माँ का दूध है, धाय माँ का दूध। बोले क्यों? कोई पुण्य को धर्म कह रहा है, पुण्य भावों को धर्म कह रहा है, कोई पुण्य क्रिया को धर्म कह रहा है। हे मित्र, जो आपका निजी धर्म है वो तो शुद्ध ज्ञान दर्शन है। शुद्ध ज्ञान दर्शन है। इस पर लक्ष्य नहीं है, इस पर लक्ष्य नहीं है तो जीवन एक नहीं करोड़ों जीवन निकाल देना। डॉक्टर अभिषेक धर्म के पास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कर्तव्य को धर्म जब से कहना प्रारंभ किया है, कर्तव्य को धर्म जब से कहना प्रारंभ किया है तब से लोग धर्म से दूर हो गए। कर्तव्यमेव धर्मा, सही है ना? कर्तव्यमेव धर्मा। डॉक्टर अभिषेक अरियंत भैया, कर्तव्यमेव धर्मा। एक बार तो बोल दे मित्र, कर्तव्यमेव धर्मा। और जिस दिन कर्तव्यमेव धर्मा शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया है, जिन लोगों ने प्रारंभ किया है वे लोग धर्म को जानते ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि अरिहंत पाटनी है, अभिषेक शादी हो गई क्या? अभिषेक डॉक्टर शादी हो गई क्या? मित्र, जब शादी नहीं हुई थी तेरा धर्म दूसरा था। मेरे जैसे लोग पूछा अभिषेक क्या कर, बोले गुरुजी माता पिता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। तब तेरा धर्म क्या चल रहा था? माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य। और जिस दिन शादी हो गई, अब पूछो अभिषेक मुनि बन जा अरियंत, कुछ दिन बाद तेरा धर्म बदलने वाला है। फिर अरंत कहेगा गुरुजी अब ग्रस्त हो गया हूँ, अब घर को द्वार को पत्नी को बच्चों को देखना ना, ये तो धर्म कर्तव्य तो निर्वाण करना पड़ेगा। इनके धर्म की परिभाषा बदल गई। लेकिन जैन धर्म जिसको धर्म कहता है वो ऐसे परिभाषा है, तीन काल में बदलने वाली नहीं है। बत्तु स्वभाव धर्म। ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं है इस परिभाषा को बदलने की शक्ति रखता हो। लेकिन भोले तुम्हारी परिभाषाएं बदल गई। एक दिन आत्र विद्यासागर महाराज जी ने कहा बेटा देख ले कुछ, तो कहता गुरुजी दुकान खोल ली कपड़े की, हमने सोचा चलाना हमारा धर्म है ना। ओहो हो, समता साग जी का बेटा दीक्षा ले ले गुरुजी के पास जा। बोले गुरुजी हम विशुद्ध सागर महाराज से बोल के आए ना, आप थोड़ा मैं जाता हूँ धर्म है, उनसे बात करके आता हूँ। कितने धर्म बदलोगे तुम? सुब्रत साहब जरा ध्यान देना, कर्तव्यमेव धर्मा ये सूत्र जैन दर्शन का नहीं है, ध्यान रखना। कर्तव्यमेव धर्मा में क्या हो रहा है? टीचर कहता है छात्रों को पढ़ाना मेरा धर्म है, तो कसाई भी कहने लगता है। चांडाल कहता है फांसी लगाना मेरा धर्म है। ओह त्रिविंद भाई ये धर्म नहीं है, ये ड्यूटी है अंग्रेजी का, ये कर्तव्य है। धर्म किया नहीं जाता, धर्म कराया नहीं जाता। भाई कठिन विषय चल रहा, थोड़ा ध्यान से सुनना। धर्म किया नहीं जाता, धर्म कराया नहीं जाता, धर्म किया नहीं जाता, धर्म कराया नहीं जाता। धर्म तो होता है, जो है सो है।
अग्नि में उष्णता किसने प्रवेश कराई, जल में शीतलता किसने प्रवेश कराई, आत्म में ज्ञान दर्शन किसने प्रवेश कराया, वो धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। बाकी जो कर्तव्य है, ड्यूटियां हैं, लोकाचार है, लोक व्यवहार है, इसे तुम धर्म कह रहे हो डॉक्टर उज्जैन ज्ञानी, ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। पर लोगों ने सदाचार को धर्म कहना जब से प्रारंभ किया, ठीक है लोक में सदाचार धर्म कह लो, लेकिन सदाचार वो धर्म नहीं है जो वस्तु स्वभाव धर्म है। ऐसे लोग धर्मात्मा मिल जाएंगे भैया देविंद, सुबह से स्नान कर करके अच्छे कपड़े पहन कर चल लें तो लोग उसको धर्मात्मा कहने लगते हैं। स्नान करने लग जाए प्रतिदिन तो धर्मात्मा हो जाता है लोक में, और स्नान करके तिलक लगा ले तो धर्मात्मा हो जाता है। बोले भाई तिलक लगाए कोई धर्मात्मा जीव है, जनेऊ पहन ले तो और धर्मात्मा हो जाता है, दुपट्टा और ओढ़ ले तो और धर्मात्मा हो जाता है। हे मित्र, ये सारे धर्मात्माओं के भेष हो सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा जो होता है वो वस्तु का धर्म है, वो ज्ञायिक भाव है। इसलिए चिन्हों को धर्म मत मानिए, चिन्हों से धर्मात्मा की पहचान की थी। पीयूष बेटा घर जाओगे ना तो माँ तो ये कहेगी मेरा बेटा धर्मात्मा है, संघ से आया है। बेटा माँ यही कहेगी संघ से आया है, लेकिन ये विषय तो पीयूष को मालूम है, संघ में रहना अलग धर्म है और निज में रहना अलग धर्म है, बराबर। यदि भोला यहां पर परिणाम ठीक नहीं रख पाए और अच्छे से भाव नहीं बना पाए तो बेटा तो 100% पाप का बंद होने वाला है। बोल क्यों, बूढ़ी माँ को तू छोड़ के यहां बैठा हुआ है, कम से कम घर में होता उस माँ की सेवा तो कर लेता कम से कम, यदि वो भी नहीं कर पा रहा है और यहां परिणाम भी अच्छे नहीं रख पाए तो मायाचारी का दोष लग जाएगा। इसलिए अब कहना हम कर्तव्य धर्म से विमुख हुए, बूढ़ी माँ की सेवा करना वो कर्तव्य धर्म है, लेकिन तब भी माँ कहती बेटा मेरी चिंता मत करो तुम अपना धर्म करो। जब माँ क्या हो रही है, कर्तव्य धर्म से विमुख हुए हो तो निज आत्म धर्म को प्राप्त करो। आत्मन रविंद्र भाई, बेटे की माँ को छोड़ के आए हो, वो बेचारी तड़प रही है, तड़प रही है, बोले स्वामी भग्या घर छोड़ करके, वहां से छोड़ तुम कर्तव्य धर्म को छोड़ के आए हो तो आत्म धर्म में लीन हो जाओगे, तो मेरे मित्र भगवान बनोगे। वो कर्तव्य धर्म भी छोड़ आए वो आत्म धर्म में भी नहीं जा पा रहे हो तो मायाचारी का दोष लगेगा। अनंग सागर जी बराबर कर्तव्यमेव धर्म, एक कर्तव्यमेव धर्म एक वैदिक दर्शन का सूत्र है, कर्तव्यमेव धर्म एक वैदिक दर्शन का सूत्र है। इस पर मैंने बहुत चिंतन किया और अंत में कहां पहुंचा, इसको मूल धर्म बना देंगे तो अनाचार फैल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहता मेरा कर्तव्य है, और सूत्र सुना देते कर्तव्यमेव धर्म। एक कर्म योग की कल्पना हो सकती है, ये धर्म योग नहीं है। इसमें कमरे में बैठा बैठा सब पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ ये कहाँ जा रहा सूत्र। कभी भी किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके बाहर के सांस पढ़ करके प्रणव सागर निर्णय मत करने बैठना, क्योंकि अधिकांश से हाथ में बेई पुस्तकें दिखती हैं, जिनमानी दिखे तो निर्णय पक्का होगा। इन पुस्तकों में बेटा छांट छांट के लोग बाहर की बातें लाते हैं, लेकिन आगम 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 चक्कु साहू इंदी चक्कु से भूदानी देवा ओही चक्कु सिद्धापुन शब्दो चक्खो। इस गाथा को महान दिगंबराचार्य अरियंत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। ये गाथा आगम चक्कु साहू गाथा बोलोगे तो कुंद कुंद के पास जाना ही पड़ेगा।
इसलिए ऐसा कोई समय ना हो, कोई क्षण ना हो, मूल पढ़िए, मूल पढ़िए, भूल सारिए। इसलिए अरविंद भैया कोई कहे अलग कर दो, बोले ठीक बेटा हो जाओ अलग। ये नीति सीखो, वस्तु स्वभाव ऐसी है, बमूल की लकड़ी, बमूल की लकड़ी बमूल पे लगी तब भी बमूल की है, और बमूल से निकल करके बाहर भी रखी ना तो शीशम की नहीं हो जाएगी, बमूल की होगी। आप क्यों चिंता करते हो? अरे बेटा तुम्हारा अलग रहे तब भी तुम्हारे ही कहलाएगा व्यवहार से, और तुम्हारे साथ तब भी कहलाएगा, शिष्य साथ में रहे तब भी तुम्हारे ही है, और बाहर जाएगा प्रभावनगर तब भी तुम्हारे ही। तुम क्यों टेंशन लेते हो? और जब स्वयं का शरीर तुम्हारा नहीं है तो चेला चेला बेटा बेटी तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जो है सो है। क्या हुआ भैया? इसलिए विश्व सागर गहरे में जाओ। यदि कोई चेला कहता है पारस कहाँ गया भैया? पारस कहता गुरुजी मैं झांसी में जाना चाहता हूँ। बेटा चला जा। अब मुझे मालूम तू कहीं भी जाएगा तो नाम तो आखिर में विश्व सागर का शिष्य यही कहेगा, बोले हम अमुक संघ में जाना चाहते। जाओ वहां पहली बार क्या बोलोगे? बोले विश्व सागर हमारे संघ से आया हूँ। बेटा नाम तो बेटा तुम कहीं भी भग जाओ, कहीं सम्यक, चाहे गुवाहाटी रहो, चाहे आसाम चले, चाहे जयपुर पहुंचो, राजस्थान, लेकिन बेटा तो उन्हीं के कहलो जिनके हो। ससुर ने तुमको बेटी जरूर दी है पर ससुर तुम्हारा पिता नहीं बन पाया, कितनी कोशिश कर रहे, अपना घर भी दे देगा पर बेटा तुम किसके हो? पिता के ही कहलाओगे। इसी प्रकार से दुनिया में कहीं भी चला जाऊं मैं तो दिगंबर हूं, थार रहूंगा, वस्तु स्वभाव जो है सो है, मैं जैन मुनि हूं। अब कोई मेरे से कहे महाराज जेल में प्रवचन कर दो, अरे मैं जेल में प्रवचन करने चले जाऊंगा तो कोई मैं ना जेलर हो जाऊं ना डाकू हो जाऊं, मैं तो मुनि हूं, मुनि रहूंगा। मैं कई बार जेल गया, अब से कई बार जेल गया। अभी यह चातुर्मास में आने के पहले ही मैंने पहले कोडरमा की का गिरिडीह के जेल में होके आया हूं, गिरिडीह के जेल में होकर के फिर मधुबन में चौमासा करने आया हूं। अब कोई अज्ञानी सुन ले इस बात को, बोले विशुद्ध सागर जेल काट के आए हैं। अरे जेल काट के नहीं आए, जेल में रहे लोग पाप कटवा के आए हैं। बस तो स्वभाव को जानो। इसलिए हे ज्ञानी पत्यम पत्यम नियम, प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में। आहा विश्व सागरी कहाँ तुम चिंता में डूबते हो? बस पत्यम पत्यम सूत्र क्या करे, गाता सूत्र, नियम अपने अपने स्वभाव में है, और डीगम कंफल मनहंती हवंतानम अपने अपने कर्म के फल को भोगता है प्रत्येक जीव। यदि यदि माना कि कोई कहे कि समझ सागर के कि वो तुम्हारे महात्मा जी प्रकाश चंद जी के बेटा सुब्रत सागर जी काम में लगे रहते, गुरु जी के ग्रंथों का काम कर रहे हैं, अरे मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनके कर्म का ऐसे उदय है कि इनको ऐसा करना पड़ेगा, तो अपना कर्म का फल भोग रहे, कर्म कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। यदि अनुपम कहें मैं भी तो हूं ना, अरे तुम हो तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, कर्म के ना तुम्हारा ऐसे उदय, तुम ऐसे जियोगे। ओहो एक दिन मालूम कहूं, हंसी नहीं करें तो कहता हूं राजू, एक दिन आचार्य विराग साहब महाराज जी हमसे बोले श्रीहांश गृह में, बहुत दिन पहले 90 में 91 में, बोले विश्व सार तुम भोंदू ही हो। मुझे आनंद आ गया, गुरु जी ने कितना सुंदर शब्द का प्रयोग, बोले भोंदू, इसमें बहुत आनंद है, अब तो प्रमाण पत्र मिल गया, पहले भी कुछ नहीं करते थे अभी और नहीं कुछ करने को मिलेगा। गुरु जी बोले, बोले भोंदू हो तुम, भोंदू, बोले भोंदू, मैंने कहा अब आनंद आ गया। बोले मालूम भोंदू क्यों बोला? बहुत दुलार करते थे, भोंदू इसलिए बोला कि संघ का कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं, मात्र
आचा श्री ने चल दिया, हमने चल दिया, अभी बैठ गए, हम बैठ गए और अपना दैनिक क्रिया करते रहना, संघ में कौन क्या करा कोई लेन देन नहीं। बोले भोंदू है पूरा भोंदू, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद है हम कि अब तो प्रमाण पत्र और मिल गया गुरुजी का, बोले अब और कुछ नहीं करना। ओहो मोंगे मोंगे रहो, कुछ बहुत सारे लोग सीधे सीधे रहते, बुंदेलखंडी कहते, बोले मोंगे मोंगे के दो हिस्से, जो लड़का चटरपटर होता ना तो उसको पिताजी कहते तो कमा लेगा, कुछ नहीं करता ना तो पिताजी भैया इसको तो थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा देना पड़ेगी, बस वही गुरुजी ने मेरे साथ किया है। बोले भाई निर्णय सागर थे हमारे पास, वो चटरपटर थे, ठीक ना। आहा विष्णु सागर जी, मोंगे मोंगे दो हिस्से, समझ भाई। इसलिए ज्ञानी भोंदू बन के रहो, अनंग सागर जी भोंदू बन के रहो, मौज से रहो, और ज्यादा चटरपटर करी ना पारस, सो काम भी करो डांट भी खाओ। नहीं महेंद्र भैया ऐसे ही होता, काम भी करो डांट भी खाओ, शांति से जियो, जो है सो है, लेकिन ऐसे जीने के लिए बहुत ताकत चाहिए। पत्तेगम पत्तेगम विष्णु सागर जी, आत्मा स्वयं प्रभाव भिन्नम, एक कर्म का फल जीव अकेले ही भोगता है, और इस स्थिति में कस्ते धैर्यो, आहा बस अंतिम शब्द कस्ते धैर्यो, किसको कहें सुजन, कस्य परजनो भड़ियो, किसको कहें परजन, कौन मेरा सुजन कौन मेरा परजन, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म से जी रहा है। राग के बस कह लेते हो इनके शिष्य हैं उनके बेटे हैं, पर प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों से जी रहा है। क्या आपको मालूम था, न मुझे मालूम था, चंबिल का तट चंबिल का सेतु, वहाँ पर आप विहार करके आ रहे थे, और मित्र आप तो मात्र दर्शन करके मिल करके जाने वाले थे, पर कर्म कह रहा जाओगे कहाँ, जब हम जाने देंगे ना जाओ। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का स्वकीय सुखीय कर्म का फल स्वकीय सुखीय जीव भोगता है, कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का हरता नहीं, और कोई किसी का भुगता नहीं। दादा महिपाल जी जो है सो है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुणमा वीर स्वामी की।